नीरजा अशोक शर्मा ने लाठ वाली माता का लिया आशीर्वाद। क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के लिए की कामना। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र कद्दावर भाजपा नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा की धर्म पत्नी नीरजा अशोक शर्मा ने शनिवार को मरेना कस्बे में स्थित लाठ वाली माता के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद लिया। क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की ओर से भी विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई गई, साथ ही नीरजा शर्मा का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस दौरान नीरजा शर्मा ने कहा कि हम मैया के दरबार में जिले वासियों के लिए सुख शांति की दुआ मांगने आए हैं। माता रानी का आशीर्वाद क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पर बना रहे, वह सभी सुख समृद्ध रहे। इस दौरान नीरजा शर्मा ने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल रहे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके छोटे भाई पंकज शर्मा, बेटा दुष्यंत शर्मा व बेटी मालविका मुद्गल द्वारा लगातार क्षेत्र में सक्रिय बने हुए और जनसंपर्क कर रहे हैं। दर्शन के दौरान नीरजा अशोक शर्मा के साथ राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग साथ में मौजूद रहे। अब आपके शहर धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं युवान फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक। यहां पर कोरियन मशीनों द्वारा हाइड्रा फेशियल पुरुष और महिला दोनों का किया जाता है। इसको करने से महिला और पुरुष दोनों के चेहरों की चमक, धब्बे, झुर्रियां, पिंपल्स आदि हट जाते हैं। साथ ही फिजियोथेरेपी द्वारा हमारे यहाँ पर फॉलिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द आदि बीमारियों का, सर्वाइकल का दर्द आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार किया जाता है। हमारे यहाँ पर एक्यूप्रेशर मशीन द्वारा पूरे शरीर की जांच उपलब्ध है। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल के बगल में, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 26 91 65 61। समय सोमवार से रविवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें 77 26 91 65 61। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब, क्लास PG से 10th तक। एडमिशन ओपन, CBSE न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता, आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 84 12 22। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेतो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888939। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्यवाही। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में संलिप्त कंप्रेशर मशीन, जनरेटर, स्टार्टर, लोहे की रोड सहित अन्य
अन्य सामान जब्त किया है। रेंजर अमरलाल मीणा के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत डीएफओ किशोर कुमार गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों वन विभाग की टीम ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत अवैध खनन के खिलाफ सरमथरा बसेड़ी और धौलपुर वन विभाग की टीम ने शनिवार सुबह बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन में संलिप्त कंप्रेशर मशीन सहित बड़ी संख्या में अन्य सामान को जब्त करने में सफलता हासिल की है। प्रशासन की कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सरमथरा वन विभाग के रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि बसेड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रमधा खनन क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सरमथरा वन विभाग, बसेड़ी वन विभाग एवं नादनपुर वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही की और रमधा के पास कार्यवाही करते हुए एक कंप्रेशर मशीन, जनरेटर, स्टार्टर, लोहे की रॉड सहित अवैध खनन में प्रयुक्त अन्य सामान को जब्त कर लिया है। प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही के बाद अन्य खनन कारोबारी उबड़ खाबड़ और जंगल का रास्ता होने के कारण मौके से भागने में सफल हो गए। रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि बसेड़ी उपखंड के रमदस वन क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता चला आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की द्वारा छोटी मोटी कार्यवाही कर मामले की इतिश्री कर दी जाती है। कार्यवाही के दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, फॉरेस्टर लज्जाराम गुर्जर, वन रक्षक जितेंद्र सिंह, वन रक्षक नवाब सिंह सहित वन विभाग का जाप्ता मौजूद रहा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शांति विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, यहां आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंस्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा करता है। जिले की 4 फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, कक्षा 12वीं में तनु परिहार ने 94%, कंचन शर्मा ने 92%, सुहालिया खान ने 91% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। हमारा पता, गोशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें एडमिशन ओपन। प्रधानाचार्य वीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 94 14 37 55 37 और 63 22 82 90। शारदे मस्त, बाकी सब पस्त। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गोपाल प्रज्ञापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। नर्सरी से 12वीं तक, जिसमें 2023 के परीक्षा परिणाम में अफाक 94%, काना शर्मा 91%, सूरज कुमार 90%, 2022 में अनुष्का शर्मा 93%, मोंटी लवानिया 93%, आर्यन कुमार 92%, ललित कुमार 91%, लगातार 22 वर्षों से उत्तम परिणाम दे रहा है। गोपाल कॉन्वेंट स्कूल कक्षा पीजी से 8वीं तक, धौलपुर जिले की श्रेष्ठ शिक्षकों की टीम जो हर हाल अपने आप में बच्चों पर पूर्ण समर्पित होकर मेहनत कराती है। हवादार एवं पूर्ण खुला वातावरण। हमारे यहाँ जीव विज्ञान, गणित, कला के सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ। जल्दी करें पता, गोपाल प्रज्ञापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजाखेड़ा बाईपास, उमेदी नगर, धौलपुर। निर्देशक प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 94 14 00 41 47 और 98 75 00 41 47। NSUI ने सौंपा प्राचार्य को ज्ञापन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में भूगोल प्रायोगिक परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए उन्हें एक बार पुनः पोर्टल खोलकर एक और अवसर प्रदान करने हेतु छात्र छात्राओं के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों में ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिनका सूचना के अभाव में या किसी और कारणवश भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा छूट गई है, जिसको लेकर विद्यार्थी काफी चिंतित है एवं उन्हें अपना एक साल खराब होने और भविष्य की चिंता सता रही है। अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए NSUI ने प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा का पोर्टल एक बार पुनः खोला जाए, ताकि वंचित रहे विद्यार्थियों को पुनः एक और अवसर मिल सके। महाविद्यालय प्राचार्य SK जैन ने आश्वासन दिया कि NSUI की मांग पर पुनः एक बार पोर्टल खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो। ज्ञापन देने वालों में योगेंद्र कुमार शर्मा, ब्रजेश कुशवाहा, शिवम बघेल, दीपक कुशवाहा, राहुल सिंगल, रविकांत, बबलू माखन सिंह, दीनू कुशवाहा सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर की तरफ से आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य जी को जो है ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से NSUI ने उनसे मांग करी है कि अभी जो भूगोल के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसमें काफ़ी विद्यार्थी जो हैं हमारे पास आ रहे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि सूचना के अभाव में या किसी भी तकनीकी कारण की वजह से उनके प्रैक्टिकल छूट गए हैं, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। तो आज NSUI ने ज्ञापन देकर प्राचार्य महोदय से मांग करी है कि पोर्टल को पुनः खुलवाया जाए और विद्यार्थी जो वंचित रह गए हैं उनका पुनः प्रैक्टिकल करवाया जाए। निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में बालिका सीख रही है आत्मरक्षा के गुण। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा बालिकाओं के लिए चलाया जा रहा है निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर की स्मृति में निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन्फेंट स्कूल में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। शिविर में प्रतिदिन बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है और शिविर के ट्रेनर बेटियों की आत्मरक्षा की टेक्निक से अवगत करा रहे हैं। टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के अध्यक्ष शिव शंकर गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने जो सपना धौलपुर की बेटियों के लिए देखा था, क्लब उस सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्लब द्वारा बेटियों के लिए साल भर निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। क्लब के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा ने बताया कि शिविर में प्रतिदिन 100 बालिकाएं भाग ले रही हैं और निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हमारा प्रयास है बेटियों के लिए भयमुक्त समाज की स्थापना करना। क्लब में आने वाले बच्चों को विदाई दी जा रही है कि वह मोबाइल का कम से कम उपयोग करें और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार से बचें। ट्रेनर विनय शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा बेटियों को बिना हथियार के किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। शिविर में ट्रेनर रश्मि राव, विकास भगेला, जगमोहन भगेला, भावना कश्यप, नेहा कुमारी, मोहिनी व नीत को नियमित आत्मरक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रही है। शिविर में विशेष सहयोग प्रिंसिपल इन्फेंट स्कूल राघवेंद्र शर्मा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, अजय अग्रवाल व सेरा मिर्जा प्रदान कर रहे हैं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सेपो धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707।
टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। धौलपुर की ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में सभी ग्राम वासियों के सहयोग से CPL टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें आज प्रथम मैच RBR टीम एवं हर्षित 11 के बीच शुभारंभ हुआ। इसका विधिवत शुभारंभ तोपवाली माता के महंत बाबा के हाथों से फीता कटवा कर प्रारंभ हुआ, जिसमें गांव के कई बुजुर्ग गणमान्य लोग शामिल हुए। कमेटी द्वारा और सभी ग्राम वासियों द्वारा पुरानी छावनी में CPL का भव्य आयोजन आज किया गया, जिसमें काफी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई। सभी खिलाड़ी और ग्राम वासियों में काफी उत्साह और क्रिकेट के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। छावनी जैसे गांव में धार्मिक, सामाजिक और टूर्नामेंट होते रहते हैं, मगर यह बड़ा आयोजन और भव्य आयोजन है। यह 10 दिवसीय आयोजन है, जिसमें एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 8 टीमें शामिल हैं। आज हर्षित 11 और RBR के बीच बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें हर्षित 11 ने जीत हासिल की। यह मानो पूरा गांव क्रिकेटमय हो गया हो। पटवारी की संपत्ति का